नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.3 का प्रश्न 4 हम करने जा रहे हैं। देखिए, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा है। तो आइए बच्चों, देखते हैं हमें शेडेड भाग का एरिया निकालना है। बच्चों, शेडेड भाग का एरिया निकलना सब बच्चों को लगेगा, त्रिभुज को और सर्कल के एरिया को प्लस कर दो, शेडेड भाग निकल गया। लेकिन बच्चों ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर इस सर्कल को मैं यहाँ पूरा करूँ, तो ये जो मैंने रेड वाला शेड किया है, आप इसको देखेंगे तो ये सर्कल में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है। अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल और सर्कल के क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे, फिर तो ये दो बार काउंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, सर्कल का क्षेत्रफल, उसमें से लेकिन ये वाला क्षेत्रफल, ये जो त्रिज्यीय खंड है, इसका क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बच्चों। मैं यहाँ लिख रहा हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन इसमें से माइनस करेंगे हम त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। एक बार फिर समझो बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये शेडेड और ये शेडेड जो हरे रंग से दिख रहा है, लेकिन इसमें अगर हम सर्कल और त्रिभुज को प्लस कर देंगे इनके क्षेत्रफल को, तो ये जो हमने रेड अंकित किया, लाल शेड लाल इंक से अंकित किया, ये तो सर्कल में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी आ रहा है, तो ये तो दो बार प्लस हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस करके उसमें से ये वाला त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो आइए हम इसे हल करके देखते हैं। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस त्रिभुज, ये कैसा त्रिभुज है, ये है समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए यानी त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, माइनस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो आइए अब हम इसे आगे हल करके देखते हैं। देखिए, यह है पाई 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर कितना है, सर्कल की त्रिज्या, देखिए सर्कल की त्रिज्या शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो यानी सर्कल की जो त्रिज्या होगी 6 गुना 6, ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस √3/4 गुना ए स्क्वायर, ए है समबाहु त्रिभुज की भुजा जो कि है 12 गुना 12, ये आ गया ब्रैकेट में त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये हो गया पाई, हो गया 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर है 6 गुना 6 गुना थीटा। अब बच्चों देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, तो ये थीटा आ गया 60 डिग्री बटा 360 डिग्री, ये आ गया है इस छोटे से त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो अब हमें इसे हल करना है। देखो बच्चों, ये है 22/7, 6 गुना 6 36, 6 गुना 6 36, 36 दूनी 72, 2 हासिल आया 7, और फिर से 36 दूनी 72 और 7 79/7 प्लस, यहाँ देखिए ये नीचे 4 है, ये ऊपर 12, तो 4 एकम 4 4 3 12, तो हमारे पास बन गया √3 × 3 × 12, 12 3 36, 36 × √3 36√3, नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस था तो माइनस।
अब यहाँ बच्चों देखिए, यह 60 डिग्री, यह 360 डिग्री, 60 से 360 कट गया 6 पे, 0 से 0 कट गया 6, 6 के 36, 1 6 से ये 1 6 भी कट गया, ठीक है बच्चों। तो बाकी देखिए क्या बच गया, 22 गुना 6 होता है 132, और नीचे बचा है 7, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया मैं दोबारा समझाता हूँ। 22 को 36 से गुना किया तो ये आ गया 792, नीचे है 7, प्लस रूट 3, 4 से 12 कट गया 3, 12 3 है 36, 36 को रूट 3 से गुना नहीं कर सकते, रूट है तो 36 गुना रूट 3, ये ऐसे लिख दिया। माइनस माइनस 60 से 360 कट गया 6 के पार में, 0 से 0 कट गया, 6 6 के 36, इस 6 से ये 1 6 कट गया, बाकी बचा 22 गुना 6 जो कि होता है 132, और नीचे है 7 वो भी लिख दिया। अब बटा सात वाली दो रकमें इनको इकट्ठा कर लेते हैं हम, तो हमारे पास आ गया यहाँ से बचा 792, यहाँ से बचा माइनस 132, और ये 36 रूट 3 अलग से लिख दिया, और इसके साथ है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इनको हमने माइनस करना है बच्चों। 2 में से 2 गए 0, 9 में से 3 गए 6, 7 में से 1 गया 6, बटा 7 प्लस 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हमने बच्चों क्या किया है, देखिए 792 में से 132 माइनस करके आया 660 बटा 7 प्लस 36 रूट 3 था वो भी लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, उसके लिए हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल प्लस किए, लेकिन ये एरिया दो बार प्लस हो रहा था इसलिए एक बार इसको माइनस कर दिया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस ये छोटा त्रिज्याखंड जो लाल शेडेड है ये हमने एक बार माइनस कर दिया। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तीनों भुजाएं बराबर वाला, उसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है रूट 3/4 ए स्क्वायर, जहाँ पर ए है उसकी भुजा, माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने अभी इस एक्सरसाइज में सीखा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो इसे हमने हल किया है, हल करके हमारे पास ये उत्तर आया है, और इस प्रश्न का आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में यही उत्तर दिया गया है। तो देखा बच्चों हमने इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न को सीखा है, यदि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया हो और आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को भी समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहां पर अन्य प्रश्नों के वीडियोस को देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं। यदि अच्छे से समझ आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।